अपोजिशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकरीरी पर हरगिज राजी नहीं होगी। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्ला ने वाजे कर दिया, कहा गुज़श्ता मीटिंग में तय हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो मेंबरान का फैसला इकट्ठे होगा। अब हुकूमत कहती है पहले दो मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकरीरी पर बात हो। हम पहले पूछते हैं तो वो आप पूछने पाछने गए हैं, देखें वो क्या बात करते हैं वहां से। की बात तो यही है कि जो होना है हो, नहीं होना ना हो तो नॉन सीरियस एक गवर्नमेंट है और वो हर इशू को नॉन सीरियस लिया हुआ है। आपके सामने 6 महीने में वो एक नोटिफिकेशन नहीं कर सके। और फिर बाबर याकूब साहब को तो वैसे अभी तो वो स्टिल सेक्रेटरी है, उनका तो नाम आने ही नहीं चाहिए। और फिर पिछला इलेक्शन जो रिग हुआ है वो उस वक्त वो भी वही सेक्रेटरी थे ना, तो वो उन्हें तो ये तक आज तक नहीं बताया कि ये आरटीएस सिस्टम कैसे क्लैप्स किया था और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और पिछले इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है, नतीजे तब्दील हुए हैं, तो वो उन्होंने कुछ बताया नहीं है। वो बता देते अफसर बड़े अच्छे हैं, हमें कोई जाति परखाश किसी से भी नहीं है, लेकिन ये तो एक पूरी कौम का एक इतना बड़ा इशू है जनाब। वहाँ पे वो इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन है कि जिसमें धांधली नहीं हुई, नतीजे तब्दील हो गए। धांधली के बावजूद भी जीत रही थी ना PMLN, तो उन्होंने नतायज तब्दील कर दिए। वो नतायज कैसे तब्दील हुए, रात 2 बजे कौन इलेक्शन कमीशन में 4-5 बंदे गए, किसका क्या रोल था।